जन्माष्टमी के लिए कान्हा की नगरी मथुरा तैयार है और मथुरा के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कृष्ण मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में सोमवार को होने वाली जन्माष्टमी के मौके पर आज से ही खास तैयारियां की जा रही हैं और अभी से कान्हा जी का विशेष साज श्रृंगार भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल की तरह तरह के भोग भी लड्डू गोपाल को लगाए जा रहे हैं और साथ ही मंदिरों के साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और साथ ही आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अंतिम दौर की तैयारियां हैं और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में ही जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं। ऐसे में रात को 12 बजे कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकट दिवस है वो काफी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं। सीएम योगी आज 2 दिनों के दौरे पर मथुरा पहुंचने वाले हैं और शाम करीब 5:45 बजे सीएम मथुरा पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें बरसाना रोपवे, यमुना क्रूज सहित 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 26 अगस्त यानी कि कल श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजा अर्चना करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कान्हा की नगरी पूरे तरीके से सजी हुई नजर आ रही है और जिला प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिला प्रशासन ने जन्मभूमि और जन्मभूमि की ओर आने जाने वाले मार्गों को पूरी तरह से बिजली की रोशनी के साथ साथ तोरण द्वार से सजा दिया है और जगह जगह पर दीवारों और खंभों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण भी किया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कृष्ण लीलाओं की अनुभूति हो सके। कान्हा की नगरी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है और साथ ही कान्हा की जन्मस्थली दूधिया रोशनी से जगमग है। श्रद्धालुओं के साथ साथ ब्रजवासी भी सजावट देखकर काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, जन्माष्टमी का पर्व नजदीकी है, इतना सुंदर सज रहा है मथुरा नगरी, बहुत सुंदर सज रही है और आप सब यहाँ आके देखिए कितना अच्छी लाइटिंग वो हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत अच्छा सजावट है, ऐसा लग रहा है कि दूध से नहा रहे हैं और हम लोग अभी रुकेंगे, कल भी घूरेंगे और परसों घूरेंगे तो 27 तारीख को जाएंगे यहाँ से। कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आस्था और विश्वास के साथ में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर बाजार पूरी तरह से सजे हुए नजर आ रहे हैं। भगवान के जन्म के बाद में पहनाए जाने वाली नई नई पोशाक और साथ ही श्रृंगार का सामान भी बाजार में काफी बिक रहा है और बाजारों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल से लेकर 1.5 फीट के लड्डू गोपाल की मूर्ति बिक रही है और लोग बड़े ही उत्साह से इसे खरीद रहे हैं। बाजार में श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल की मांग अधिक बताई जा रही है और दुकानदार के मुताबिक इस बार लड्डू गोपाल के साथ साथ राम मंदिर, राम दरबार की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में ये पहली कृष्ण जन्माष्टमी है। इस टाइम बाजार में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस टाइम हमारे श्रृंगार वाले गोपाल जी काफी बिक रहे हैं, जिसमें श्रृंगार होता है पूरा ठाकुर जी का, नेत्र बने रहते हैं, माला रहती है और ये कानों पे भी रहता है, होठों पे भी रहता है और इस सादा वाले गोपाल जी भी आते हैं जो रेगुलर बिकते हैं। राम दरबार भी इस टाइम सब लोग लेके जा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है जब से राम दरबार बहुत अच्छा डिमांड में आ रहा है। और मथुरा से सहयोगी मेरे साथ में अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं। अनुपम, कृष्ण की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, हर तरफ आपको राधे ही राधे सुनाई दे रहा होगा और कल जन्माष्टमी मनाई जानी है तो तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी होंगी। तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे भी होंगे तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अमनदीप, यहाँ पर जब कहा जाता है कान्हा की नगरी में आप आए तो राधे कृष्ण की गूंज है और हर कोई जन्माष्टमी के रंग में पूरी तरह से सराबोर होना चाहता है।
जहां जहां तक हम जा रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर कोई यहां पर राधे कृष्ण की गूंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां अब अंतिम दौर में है। जिस तरीके से कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा उसके लिए प्रशासनिक अमले ने भी पूरी तैयारी कर ली है। भव्य तरीके से आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को सजाया गया है। उसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और जो अलग अलग मंदिर हैं, ऐसा क्या क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम 5 बजे क्योंकि मथुरा पहुंच रहे हैं और वो भी यहां से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की औपचारिक तौर पर यहां से शुरुआत करेंगे। तो लोगों में उसको लेकर के भी जोश है। क्या कहेंगे आप जन्माष्टमी का पर्व और किस तरीके से कान्हा की नगरी में? हाँ, बहुत बढ़िया से हो रहा है। अब आज से तो पूरा अब ये वृंदावन का माहौल पूरा अभी पूरा कृष्णमय ही हो गया है। श्री कृष्ण का ही वो पूरा हो गया, बरस जैसा हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सभी दर्शकों, सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ इसी माध्यम से। क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे आप? मैं अब श्री कृष्ण का क्या सुनाया, वही का सब कृष्ण का ही महिमा है, संसार है ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण नाम रस पिया करो। एक एक वो भजन भी बहुत बड़ा चल रहा है अभी, वैसा ही है जिंदगी। कृष्ण का नाम लेने का बस, जिंदगी में बहुत कृष्ण का रस मिलेगा तो वही सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, और भी श्रद्धालु हैं दूर दूर से आए, भाई सब क्या कहेंगे जन्माष्टमी का पर्व और आप मथुरा में मौजूद हैं? हाँ, बोलने जाएंगे पहले राधे राधे। हम आए पूरा बंगाल से, दुर्गापुर से यहाँ जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, यहाँ स्वयं कृष्ण का जन्मस्थान जन्म हुआ था। तो हम बहुत मजा करेंगे और इंजॉय करेंगे राधे राधे राधे। और कृष्ण जन्म हुई तो एक बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ स्वयं कृष्ण का जन्मस्थान है। मतलब पूरा इतना अच्छा जाएगा है, इससे और जाएगा अच्छा कोई नहीं मिलेगा। ब्रज का माटी है तो राधे राधे, जो आएगा प्रेम से भर जाएगा, प्रेम से एकदम पूरा मन भर जाएगा। दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है लगातार यहाँ पर आ भी रहे हैं और अमनदीप ये सिलसिला लगातार लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अमले की अगर बात करें तो जन्म स्थान के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को आज शाम पर को यहां पर पहुंचना है तो उसको लेकर कई रूट डायवर्ट किए गए हैं जिसके चलते जो है कई मार्ग रोक दिए गए हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री आपको बता दें कि कल सुबह यहां पर जिस तरीके से जन्मस्थान में और बांके बिहारी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद 10:15 बजे मुख्यमंत्री यहां से आगरा के लिए जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी सभी प्रशासनिक अमला, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व कल है और कल रात में कान्हा का जन्म होगा, तो अभी तो सारी तैयारियां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनुपम, आपको याद होगा कि पिछली बार चंद्रयान 3 की झलक हमें देखने को मिली थी और चंद्रयान 3 की कामयाबी को थीम भी बनाया गया था। क्या इस बार भी कोई थीम रखी गई है जन्माष्टमी में? देखिए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी न किसी थीम पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार की अगर बातचीत आ जाए मनदीप, तो इस बार कई थीमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से जन्मस्थान के अंदर जो रंगोली बनाई गई है, जो पेंटिंग्स की गई हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व को यहां पर दर्शाया गया है। यानी कि धार्मिक महत्व की थीम इस बार रखी गई है और उसके जरिए यहां पर मैसेज देने की, यानी कि लोग जो है वो सद्भाव से, प्रेम, भाईचारा, इससे यहां पर जुड़े, इसी थीम पर इस बार की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। क्योंकि 26 तारीख को इस बार जन्मस्थान में जन्माष्टमी है और 27 तारीख को बांके बिहारी मंदिर में यानी कि वृंदावन में जन्माष्टमी है। अलग अलग दिन ये जन्माष्टमी इस बार यहां पर हो रही है, इसलिए इस बार जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, उनको पहले क्या होता था कि अगर वो जन्मस्थान में जन्माष्टमी का पर्व मनाते थे तो वृंदावन में नहीं मना पाते थे। इस बार उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि 26 तारीख को जो जब वो कान्हा के जन्मस्थान में जन्माष्टमी मनाएंगे तो 27 तारीख को वृंदावन में आकर के वो जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। और अनुपम, हम देखते हैं कि जन्माष्टमी से पहले ही जो कार्यक्रम है उनका आयोजन शुरू हो जाता है। और मथुरा की अगर पूरी बात कर ली जाए तो हर एक घर में लगता है कि मानो जन्मोत्सव मनाया जाएगा और देखकर लगता है कि किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लीलाएं होती हैं, बाहर से भी कलाकार पहुंचते हैं, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? कार्यक्रम तो मुझे लगता है अभी से भी शुरू हो चुके होंगे। देखिए, आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, साथ ही साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो यहां पर है उसके जो अधिकारी हैं, उसकी प्लानिंग पिछले 6 महीने से लगातार कर रहे थे। जो तमाम धार्मिक कलाकार हैं, चाहे करिया मित्तल की बात
बात करें और बड़े कलाकारों की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस लगातार हो रही है और आज 25 तारीख से सारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 25, 26 और 27 तीन दिन ये मथुरा में डैम्पियर पार्क में जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है जहां पर तमाम कार्यक्रम होते हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहां पर आज शाम 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और जिनकी तस्वीरें लगातार अमनदीप हम न्यूज 18 पर दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अनुपम, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजधानी लखनऊ के कृष्ण मंदिर सजकर तैयार हो गए हैं और साथ ही मंदिरों में झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुपम छटा नजर आ रही है और साथ ही जन्मोत्सव के लिए विशेष श्रृंगार के भी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में विशेष आयोजन किए गए हैं तो वहीं खाटू श्याम मंदिर में इस बार बर्फ से झांकियां सजाई जाएंगी। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर ओर तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। हम इस वक्त लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव और जन्माष्टमी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो मंदिर का प्रांगण है उसको सजाया जा रहा है, जो अलग अलग ये जो टेंट आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग जो उत्सव होने हैं वहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 256 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम इस दौरान कराए जाएंगे जिसमें छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन से लेकर झांकियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान यहां पर कराए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर इस मंदिर में क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं उनको भव्य रूप दिया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे कि सामने मंदिर का मेन जो बिल्डिंग है वो है यहां पर और इसी तरह से इस पूरे मंदिर को लाइट्स और फूलों से सजाया जाएगा और यहां पर 1008 जगह सरोवरों के जो जल है उससे जलाभिषेक भी किया जाएगा। 12 घंटे की ये प्रक्रिया रहेगी जहाँ पर दोपहर से ये प्रक्रिया शुरू होगी और रात में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होने तक का ये प्रक्रिया चालू रहेगी। शाजापुर के स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। इस दौरान स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुति दी गई। स्कूल में बच्चों ने राधा कृष्ण पर आधारित अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और कृष्ण बने बच्चों ने शानदार डांस की प्रस्तुति दी। इन नन्हे बच्चों ने कृष्ण और राधा की पोशाक पहनकर बांसुरी सजाई और साथ ही मटकियां सजाई और इसके साथ ही दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम भी हुआ। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने आदेश दिया है कि राज्य से सभी जेलों और साथ ही थानों में जन्माष्टमी मनाई जाए और साथ ही भजन और झांकी के कार्यक्रम भी हो। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात हो। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई जाए और झांकी में नारेबाजी से विवाद न हो पाए, किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये तस्वीरें और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। न्यूज 18 लेकर आया है जन्माष्टमी पर खास नटखट कान्हा प्रतियोगिता और ये आपका मौका है अपने नन्हे कान्हा को न्यूज 18 पर देखने का। सजाएं अपने 12 साल तक के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भेजें आपकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर, जो नंबर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 9891314814 पर। तस्वीर के साथ बताएं उनके नाम, शहर और साथ ही उम्र, साथ ही जीते ढेरों इनाम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।